स्वागत hey my है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले तो चलो वीडियो गेट स्टार्ट तो गाइज आज हम लोग देखेंगे की ज्वाइंट कॉस्ट क्या तो जै, जैसे की गाइज जब हम लोग दो कॉस्ट समझ लो की एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ठीक है एक प्रोडक्ट बनाने की आपकी इच्छा है ठीक है आप बोले मैम मैं, मैं ना पेट्रोल बनाना चाहती हूँ ठीक है वेरी गुड बनाओ जाकर जब आप गाइस कोल से पेट्रोल बनाते हैं ना तो ना क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं जरूरी नहीं कि आप बनाना चाहते हो बन जाते हैं यार आप मौसम जूस निकालने जाओ घर में जाना मस्त मिक्सर में डालना ये मिक्सर है मिक्सर ग्राइंडर है इसमें ना आप जूस में जूस जाने के लिए मोसम्बी डालना देखना बाद में जब आप इसको स्ट्रेनर में छानोगे ना छानने के बाद जब आपका जूस निकलेगा देखना गाइस इसमें ना बहुत सारे कचरे भी निकल जाएंगे आप कचरा निकाल रहे थे क्या नो मैम हम जूस निकाल रहे थे तो कचरा कैसे आया आपको निकालना था तो आना चाहिए कचरा नहीं तो आर लाइक मैम वो क्या है ना कि हम लोग जूस निकालते हैं बट कचरा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना तो वही कहना चाहती भाई जो जूस है हमारा जो जूस है हमारा वो हमारा मेन प्रोडक्ट है मेन और जो कचरा है वो हमारा बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट ठीक बट कचरा निकलता है तो वो बाय हो जाता उसको आप सेल कर सकते इस, है कंपनी ये तो एकदम लाइव एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको राइस ब्रांड बनाने की मेरी एक रिलेटिव की कंपनी थी पहले वो जब राइस ब्रांड राइस मतलब जो वो जो चावल से उन लोग ना वो निकालते थे और उसका जो ब्रांड रहता था ना तो उसको फेंक देते थे उन लोग पहले बाद में जब राइस ब्रांड ऑयल का कॉन्सेप्ट आया तो उन लोग उसी कचरे से अब तेल निकालते हैं तो गाइस गाई प्रोडक्ट भी यूजफुल होता है किसी किसी को ठीक है आपको यूज नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किसी को यूज नहीं होगा जैसे गाय आप रद्दी बेचते हो तो रद्दी बेचते हो तो आप क्या सोचते हो कि रद्दी बेच रहे हो आप तो आपको थोड़े कुछ पैसे मिल जा रहे हैं बट जो रद्दी खरीद रहा है उसको आपसे ज्यादा बेनिफिट होता है इसलिए वो रद्दी खरीद रहे आपसे ठीक है तो बाय प्रोडक्ट के भी फायदे होते हैं तो कहीं मैं ये समझाना चाहती आपको कि जरूरी नहीं है कि आप जो बनाना चाहते हो सिर्फ वही बने उसके साथ कुछ और भी बन जाता है तो जब का एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं जो आप बनाना नहीं चाहते या आप बनाना भी चाहते हो समझ लो कि आप पेट्रोल बना रहे हो तो कहीं पेट्रोल के साथ ना एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि एरोप्लेन का पेट्रोल होता है वो भी बनता है डीजल भी बनता है ठीक है और अपना केरोसिन भी बन जाता है ठीक है ऐसे कोई मशीन इसमें से सब बन जा रहा है ठीक है मान लीजिए अभी ठीक है तो गाइस आप क्या करोगे जो कैरोसिन है ये आपके काम का नहीं है समझ लीजिए आप नहीं बनाना चाहते थे फिर भी बन गया तो आपको कैरोसिन आपका बाय प्रोडक्ट हो गया तो गाइस अभी तक जितने भी आपने खर्चा किया आप ये सारे खर्चे तो एक साथ किए थे ना ज्वाइंटली किए थे सब ने एक साथ खर्च किए थे बट क्या हुआ कि ना ज्वाइंटली आपने सारे खर्चे किए थे बट हमको हमारा तो मेन प्रोडक्ट ए टी एफ है एटीएफ बनाने के लिए हमने फैक्ट्री डाली वो बाकी सब तो बन जाते हैं तो ये दोनों भी फिर भी से मेन पार्ट टू और पार्ट थ्री बन सकते हैं बट ये तो बाय प्रोडक्ट है ही सीधा ठीक है तो गाइस इसमें सारे में आपने कुछ खर्चा तो किया है ना और वो सारे खर्चे एक साथ मिलके हुए हैं चारों प्रोडक्ट में तो उसको आप बोलोगे कॉस्ट जो कॉस्ट सारे प्रोडक्ट में मिलके एक साथ होती है उसको अपन कॉस्ट कहते हैं गाइस ये वाला आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे आई होप आपको याद आ रहा होगा इसमें तो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कभी आता नहीं एग्जाम में ठीक है गाइस अभी तक का रिकॉर्ड तो ऐसे ही रहा है लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाली तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट की डेफिनेशन तो भाई कॉमन रिसोर्सेज जो यूज होता है अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय दो से तीन प्रोडक्ट जब आप बना रहे हो तो कॉमन एक कोई कॉस्ट इंकर्ड हो रही है उसको अपन ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होगा कई एक साथ एक ही प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं जैसे कि मौसम्बी का जूस और मौसम्बी का छिलका एक प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर के आपने किया और दो एक सा सामान निकला तो सेम प्रोसेस किया और आपको डिफरेंट डिफरेंट गुड्स मिल रहे जो कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप ठीक है एक मेन हो जाएगा एक बायो हो जाएगा उसमें से ठीक है तो उसको बोलेंगे अपन ज्वाइंट प्रोडक्ट देन स्क्रैप स्क्रैप क्या होता है गाइस स्क्रैप्स होता है अपना स्क्रैप में क्या होता है इसमें कोई भी एकदम 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 कम वैल्यू या फिर नहीं के बराबर वैल्यू अपन को मिलती रिसीव होती है तो उसको अपन स्क्रैप बोलते हैं सब स्प्लिट ऑफ क्या होता है ये समझने वाली बात है जैसे कि गाइस यहाँ पे आपने बहुत सारा खर्चा किया एक साथ और आपके दो तीन प्रोडक्ट निकल गए बन के ठीक है तो भाई यहां पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं तो उसको अपन स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलेंगे इसमें आपके सारे प्रोडक्ट स्प्लिट हो जा रहे हैं ठीक है स्प्लिट हो जा रहे हैं आपके सारे प्रोडक्ट उसको अपन स्प्लिट ऑफ बोलेंगे ठीक है देन वेस्ट क्या होता है कोई भी मटेरियल लॉस हो रहा है गाइस आप प्रोडक्शन कर रहे थे आपने स्टोरेज किया आपने प्रोड्यूस किया कुछ भी लॉस हो जा रहा है तो वो आपका वेस्ट हो गया क्योंकि आप वो जा चुका है आपके पास से आप उससे कोई भी वैल्यू वसूल नहीं कर पाए ठीक है तो उसको वेस्ट कहेंगे

ठीक है तो सीधा सेपरेटली प्रोडक्ट को करो तो वैसा आप कौल सकते हो उसको नहीं तो फिर कहीं हो सकता है ना कि आप उसमें नमक मिर्ची और फिर मोसंबी के छिलके से वो कुछ कुछ सजाते वजाते हैं और कुछ कुछ डेकोरेशन करते हैं उसमें कुछ कुछ डालते हैं उसको टेस्टी बनाते हो सकता है कि वो उसमें आइसक्रीम डाल दे या फिर उसको गर्म कर दे कहीं होता है शेफ लोग यही सब तो करते रहते हैं ना तभी तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं कोई भरोसा नहीं आपको थोड़े दिन में मोसम्बी के जूस में आइसक्रीम डाल के मिल सकता है इतना कोई सोचने वाली बात नहीं कि मैं कोई बहुत अजीबों गरीब बात कर ली एवरीथिंग इज पॉसिबल शेफ सब कुछ कर सकते हैं ठीक है जब चॉकलेट मैगी चाय में मैगी पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग वो सब आ गया तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है है ठीक तो इसीलिए अपन क्या करेंगे फर्दर प्रोसेस में अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे आप चाय में मैगी डाल के खा रहे हो तो मैगी जो डाल रहे हो आप चाय में एक्स्ट्रा तो आप उसका अलग से खर्चा चाय में बस लेना ऐसे नहीं कि चाय पत्ती जो वेस्ट हुई है उसमें ले लिए गाइस आपको मजा आया होगा उसके गाइस सब क्या कर रहे हो फर्दर प्रोसेसिंग किए वही चाय में मैगी डाल दिए बट जो मैगी डालने का काम है ना बाहर वाली पार्टी से करा रहे हो आप बोले मैगी बनाते नहीं है हम हम मैगी ना चाय बना के हम देंगे मैगी आप डाल देना उसमें <laughs> तो, जो बाहर मैगी डाल रहा है आउटसाइड पार्टी उसका जो वो काट के देगा ना बिल हमने दस रुपए की मैगी डाली एक कप चाय में तो, तो उसका जो भी गाइस ड्यूटी टैक्सेस रहेगा ना वो सब आपको लेना है ओके गाइस देन कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका कोई भी स्क्रैप या वेस्ट जनरेट हो रहा है तो गाइस उससे आपको कोई वसूली भी तो हो रही होगी ना समझ लीजिए कि कोई कोई भी सामान में आपका वेस्ट होता है ठीक है तो आप रद्दी में बेचो उसको जब आप रद्दी में बेच दिए तो आपको दस बीस पचास रुपया कुछ तो मिलेगा ना उसको आप माइनस जरूर कर देना अपने कॉस्ट से ठीक है कॉमन सेंस आइज है आई होप आपके पास होगा ठीक है उसके बाद गाई सब्सिडीज सब्सिडी अपन गवर्नमेंट हमको सब्सिडी वगैरह देते रहती है तो अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो प्लीज गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉस्ट से उसको माइनस कर देना ऐसे नहीं कि पूरा आप सब्सिडी को खा लिए माइनस कर देना कॉस्ट में से ठीक है उसके पेनल्टीज जो भी पेनल्टीज रहेंगी ना वो हमारा फॉर्म पार्ट करती ही नहीं हमारे प्रोडक्ट में उसका कोई मतलब ही नहीं है पेनल्टी तुम्हारी गलती तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो तुम कुछ काम नहीं कर हो तुम अथॉरिटी स्टेटूटरी काम नहीं कर रहे हो तो क्या प्रोडक्ट कस्टमर झेलेगा तुम्हारी गलतियों की सजा बिल्कुल भी नहीं पेनल्टी विल नॉट बिकम पार्ट फिर क्या करेंगे असाइन कर देंगे कैसे असाइन करेंगे कॉस्ट को मैम कैसे असाइन करेंगे बिल्कुल गई आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या यस मैम मिल तो रहा है तो फिर आप वैसे असाइन कर दीजिए दो तो मेथड है हमारे पास सीधा सीधा एक तो फिजिकल यूनिट जो जो जितने यूनिट आप बेच रहे हो उतने यूनिट के हिसाब से आप असाइन कर दो नहीं तो फिर कितना रिसीव करो मतलब समझ लो वन लाख रुपीज रिसीव किया प्रोडक्ट सेल करके आफ्टर स्प्लिट ऑफ सॉरी एट 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 स्प्लिट ऑफ तो आप वन लाख को असाइन कर दीजिए ठीक है या तो फिर आप टेक्निकल एस्टिमेट ले लीजिए अपने हिसाब से, ली से कर लीजिए कितना इतना होना चाहिए उसके हिसाब से कर लीजिए इट्स अप टू यू तीन मेथड मेथड है है फिजिकल यूनिट जब आपका स्प्लिट ऑफ हो रहा या फिर कोई भी टेक्निकल जो आपको लगता है फिर है प्रेजेंट कैसे करोगे तो प्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप सीधा सीधा इंडिविजुअली प्रोडक्ट को आइटम लाइन वाइज मतलब सीधा सीधा बता दो कि इसका इतना खर्चा हुआ है हमारा भाई ठीक है ऐसे प्रेजेंट कर दो सो इजी डिस्क्लोज क्या करेंगे हमेशा की तरह हम सेम तो सेम टू डिस्क्लोज करते कि मैम हमने असाइन कैसे किया है एलोकेशन और असाइनमेंट होता तो कैसा आपने एलोकेट किया है कैसा असाइन अपने कॉस्ट को आपको ये बताना है ठीक है फिर आपको क्या बताना है आपको ये बताना की कोई भी मटेरियल बातें है आपको ऐसे लगता है की कोई, कोई ऐसी बात है जो सबको नहीं पता वो बता दो कोई भी सिग्निफिकेंट बातें या फिर कोई भी क्वांटिफाई बातें ये तीनों बातें अगर आपको लग रही तो आप बता सकते हो

बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो वैसे भी शेयर करनी है तो सब्सक्राइब करते हुए शेयर करवा देना ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय